नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 2 से लेकर 9 तक डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला 2 का है, चेक लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। 2 के रूल में लास्ट में हम लोग देखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर लास्ट में, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो 2 से डिविजिबल है। उदाहरण से हम लोग देखते हैं 6, 4, 8, लास्ट में 8 है, यानी 6, 4, 8 2 से डिविजिबल है। बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे 7, 4, 8, 9, 10, लास्ट में 10 है, ये भी 2 से डिविजिबल है। ये संख्या भी 2 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। अगर और नंबर आ जाएगा तो जैसे 7, 5, 3, 9, 1, लास्ट में और नंबर आ गया, और नंबर, तो ये डिविजिबल नहीं है 2 से। अब 3 का देखिए, 3 के टेबल में जो नंबर दिया रहेगा उसको सबको सम कर देना है। उदाहरण से देखिए 3, 8, 5, 8, इसको हम लोग सबको सम करेंगे। 3, 8, 5, 8, 5, 8, इसका सम हो रहा है 24। अब इसको 24 आ रहा है, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी, ये 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। और उदाहरण देखिए, 3, 8, 3, 8, 5, 9, इसको हम लोग ऐड करेंगे। 3 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9, ये हमारा 25/3 होगा। 3 से डिवाइड करके हमने देखा नहीं डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब 4 का रूल देखते हैं। 2 और 3 का जो नियम बताया गया है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 2 और 3 का हो गया है। 4 का देखिए, 4 में क्या रहता है, लास्ट 2 डिजिट देखनी रहती है। लास्ट 2 डिजिट नंबर की जो रहती है, लास्ट 2 डिजिट देखने रहती है हमको। उदाहरण के लिए 5, 4, 6, 8, जो 6, 8 है लास्ट का, इसको 4 से डिवाइड करके हम लोग देखेंगे। 4 से डिवाइड किया हमने, ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये संख्या हमारी 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगी। और उदाहरण देखते हैं, 5, 8, 9, 1, ये लास्ट में 91 है, 91 को 4 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसलिए ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब 5 का देखते हैं। 5 में हमको देखना रहता है लास्ट में, लास्ट डिजिट चेक करना रहता है, 0, 5 और 10 होनी चाहिए। जैसे 5 लास्ट में 0 है, ये 5 से डिविजिबल है। और देख लीजिए 5, 8, 5, लास्ट में 5 है, ये भी डिविजिबल है। डिविजिबल कब नहीं होगा, अब देख लीजिए 5, 7, 1, लास्ट में 1 है, 3 है, 2 है, ये सब डिविजिबल नहीं है। 5 और 5 10 रहेगा, 0 रहेगा लास्ट में, तभी 5 के रूल में डिविजिबल होगा, नहीं तो ये सब रहेगा तो डिविजिबल नहीं होगा। अब 6 का देखिए, 6 का देखिए,
सिक्स में टू एंड थ्री, जो टू और थ्री का रूल है वही हमको फॉलो करना है। टू में जैसे उदाहरण से देखिए, सिक्स फाइव थ्री एट, इसमें टू और थ्री का रूल लगेगा। मार्कर थोड़ा कम चल रहा है। टू और थ्री का देखिए रूल लगेगा इसमें। टू और थ्री का हमने देखा है, टू का रूल था कि लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट होना चाहिए, इसमें एट है, टू के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। और थ्री के रूल में देखिए क्या था कि इसको सम करना है सभी का, सिक्स फाइव प्लस थ्री प्लस एट, ये हो रहा है 22। 22 को थ्री के रूल में क्या करना था, थ्री से डिवाइड करना था, ये डिवाइड नहीं हो रहा इसमें, इस संख्या में टू तो सेटिस्फाइड हो रहा है लेकिन थ्री नहीं हो रहा, इसलिए हमारा आएगा कि ये जो संख्या है ये सिक्स से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। और उदाहरण देखते हैं, फाइव नाइन सिक्स फोर का, इसमें भी टू और थ्री का रूल लगाएंगे, टू थ्री का, टू की कंडीशन क्या थी, फिर वही रिपीट, लास्ट में फोर है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। और थ्री का रूल था एडिशन का, इसमें देखते हैं फाइव प्लस नाइन सिक्स फोर, ये 24 हो रहा है, इसमें क्या था कंडीशन थ्री के रूल में कि थ्री से डिवाइड होगा, ये थ्री से डिवाइड हो रहा है, टू की कंडीशन भी सेटिस्फाइड और थ्री की भी सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी ये सिक्स से डिविजिबल है, डिविजिबल है। इस अब सेवन का देख लीजिए, सेवन में आपको याद रखना है माइनस टू, रिमेम्बर कर लीजिए इसको, याद कर लीजिए माइनस टू। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए सेवन फोर एट, इसको क्या करेंगे, जो लास्ट की डिजिट है इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करके, और जो ये रिमेनिंग डिजिट है इसमें माइनस कर लिए। देखिए उदाहरण, एट इंटू माइनस टू इजक्वल टू माइनस सिक्सटीन आया, रिमेनिंग है 74, 74 माइनस सिक्सटीन आया 58। अब देखेंगे 58 तो 58 सेवन के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये जो संख्या दी गई है ये सेवन की, सेवन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, और ये संख्या सात से भाग नहीं होगी, सात से डिवाइड नहीं होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण इसका और देख लीजिए, इसका और देख लीजिए, दूसरा ये लीजिए लीजिए। अब इसको कैसे करेंगे, लास्ट की डिजिट देखेंगे, टू से मल्टीप्लाई, वन इंटू माइनस टू इजक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू ये लास्ट की रिमेनिंग है, टू फोर्टी माइनस टू इसमें से करेंगे, टू थर्टी एट, टू टू थर्टी एट को सेवन से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है, सेवन सेवन थ्री जा और फोर पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये जो संख्या है हमारी ये सात से डिवाइड हो जाएगी। सात में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा ज़्यादा करिएगा तो ये समझ में आ जाएगा, जैसे बड़ी रहेगी तो, जैसे मान लीजिए सिक्स फोर सेवन एट नाइन, इसमें भी लास्ट की डिजिट लेनी है और टू से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस एटीन आ जाएगा, एटीन को ये जो रिमेनिंग रहेगी इनमें इसमें माइनस कर देंगे, फिर लास्ट की डिजिट लेंगे फिर ये रिमेनिंग बच जाएगी, फिर इसमें माइनस कर देंगे, फिर लास्ट में टू डिजिट बटेगी बचेगी तो इसको माइनस करके लास्ट में टू डिजिट आएगा जाएगी, तो सेवन का टेबल पढ़ के आप लोग पता कर लेंगे कि हो रहा है कि नहीं। अब एट का देखिए, एट और नाइन का, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा।
वेट कर देख लीजिए एक बार, मार्कर नहीं चल रहा है, एट का देखिए। इसमें क्या करना है, लास्ट डिजिट जो है चेक करनी है, लास्ट थ्री डिजिट लास्ट की चेक करनी है। एग्जांपल से देखिए एक बार, 7 8 6 5 6 लास्ट की डिजिट ये है, इसको हम लोग किसे डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 से डिवाइड करिए। डिवाइड हो रही है, यानी कि ये जो संख्या है पूरी ये 8 से डिविजिबल है। और उदाहरण देखिए, 6 5 9 6, इसमें भी लास्ट 3 डिजिट लेनी है, इसको देख लीजिए डिवाइड करके 8 से। अब देखिए इतनी बड़ी थी, लास्ट की 3 डिजिट हमें डिवाइड कर दी और हमको पता लग गया इजीली कि ये 8 से डिविजिबल है। और इसमें भी 3 इतनी बड़ी है, लेकिन 3 से कर लीजिए, 3 डिजिट इसकी ले लीजिए, उसके बाद डिवाइड करिए 8 से, हो जाएगा। फोर रिमाइंडर बच गया, यानी कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। 9th का देख लीजिए एक बार, 9 का देख लीजिए, 9 में क्या रहता है, जैसे 3 का सम किया गया है उसी तरह है, लेकिन वहां पे 3 से डिवाइड करते थे, यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे। उदाहरण से देखिए, एग्जाम्पल से देखिए, 9 6 7 8 6, इसको क्या है मल्टीप्लाई कर लेंगे सभी को, जैसे 3 में करते थे, 9 6 7 8 6, इसको 36 आ गया, 36 4 पे डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। एक और उदाहरण ले लीजिए, 7 8 9 6, इसको भी डिवाइड ऐड करिए, 30 आ गया, 30 को 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि ये संख्या डिविजिबल नहीं है। आशा करता हूँ आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।